Viewers, do you know how the internet work? हम आज आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। यू ओपन अ वेब ब्राउजर एंड टाइप है URL। अब URL हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को URL बोलते हैं, विच इज द नेम ऑफ द वेबसाइट। जब हम अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो आपकी एक क्यूरी बन जाती है। अब कैसे बनती है URL क्यूरी, ये भी बता चुके हैं हम। गोज थ्रू योर मॉडम ऑफ द सेलुलर नेटवर्क, आपके मॉडम के थ्रू वो सेलुलर नेटवर्क पर जाती है। द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय योर लोकल ISP एंड देन ट्रांसफर टू द नेशनल ISP। अभी ये ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है और उसके पास से वो नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, जो इंफॉर्मेशन DNS को भेजता है। ये DNS क्या है, DNS इज द डोमेन नेम सर्वर, वो जगह जहाँ पे आपकी वेबसाइट इंस्टॉल है। ISP हैज अ मल्टीपल सर्वर which is store and send data like a DNS domain name server and NAP server network access protection। कहाँ कहाँ डेटा को भेजता है, डोमेन नेम सर्वर पर भेजता है और नेटवर्क एसेस प्रोटेक्शन पे भेजता है। जब डोमेन नेम पे आपकी इंफॉर्मेशन जाती है, द ISP send packets of data through optic fiber cable। तो ये इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो ऑप्टिक फाइबर केबल्स के थ्रू इन इंफॉर्मेशन को भेजता है। दीज केबल्स एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ द इंटरनेट, जो कि एक बैकबोन की तरह काम करता है इंटरनेट पे। द रिक्वेस्ट इज देन सेंड टू द डेटा सेंटर वेयर द वेब सर्वर्स आर लोकेटेड, और फिर ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, डेटा सेंटर पे, यहाँ पर आपका वेब सर्वर लोकेट रहता है। वेब सर्वर पैकेजेस अप द फाइल्स दैट मेक अप द रिक्वेस्ट। वेब सर्वर पैकेज जो होता है रिक्वेस्ट को बनाता है, मेक अप द रिक्वेस्ट। वेब सर्वर पैकेजेस अप द फाइल दैट मेक अप द रिक्वेस्ट। अब जब रिक्वेस्ट आपके जाती है डेटा सेंटर पे, तो वेबसाइट दैट इज ऑल पैकेज अप नाउ मेक द रिटर्न ट्रिप इन रिवर्स ऑल द वे बैक टू द कंप्यूटर, तो वो उसके आंसर को वापस कंप्यूटर पे भेजती है। मोबाइल पे दैट ओरिजिनल मेड द रिक्वेस्ट, और अगर मोबाइल से आपने भेजा रिक्वेस्ट तो मोबाइल पे आपके आंसर को वापस भेजती है। तो ये पूरा सर्किल है कि इंटरनेट कैसे काम करता है। पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो मोडम पे जाता है, मोडम ISP पे भेजता है, ISP नेशनल ISP पे भेजता है, नेशनल ISP DNS पे भेजता है और नेटवर्क एसेस प्रोटेक्शन पे भेजता है। वो इंफॉर्मेशन केबल के थ्रू जाती है जो जनरली पानी के अंदर होती है, और फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन डेटा सेंटर पे जाती है। डेटा सेंटर पे वेब सर्वर पैकेजेस होते हैं जो कि फाइल को के रिक्वेस्ट को भेजते हैं डेटा सेंटर में, और वेबसाइट फिर वापस उस रिक्वेस्ट के का रिस्पॉन्स आपके कंप्यूटर या मोबाइल जिससे आपने रिक्वेस्ट किया है उस पर वापस भेजती है। तो 99% ऑफ ऑल इंटरनेशनल डेटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ लैबिरिंथ ऑफ द केबल स्ट्रेचिंग अक्रॉस द फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड ओशन। ज़्यादातर ये इंफॉर्मेशन कहाँ है, समुद्र के नीचे खींचे हुए केबल्स के थ्रू जाती है। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर्स, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोर ऑफ योर फ्रेंड्स।
So I can get a watch time and I get promotion. So I can make a more video like this. So thank you viewers. Please follow my all social media links and join Telegram channel. Thank you.